Hi 7th class, we have International Secondary Science 2 and today we will study 3.3 A Balanced Diet. What is a balanced diet? To stay healthy, we need enough amount of nutrients, enough amount of carbohydrates, enough amount of proteins and enough amount of stable food that may not cause any kind of hurdles and any kind of hazards in our health problems. So to get a balanced diet, you have to eat a wide variety of fruit. हमें दालें खानी है, हमें चिकन खाना है, हमें वेजिटेबल्स खानी है, हमें डिफरेंट काइंड ऑफ मीट खाने हैं, हमें सीरियल्स खाने हैं, हमें फ्रूट्स लेने हैं, हमें नट्स लेने हैं, अगर हम अपनी बॉडी को हेल्दी रखना चाहते हैं. न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री. अब जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो कंट्री टू कंट्री भी वेरी करती हैं. कोल्डर प्लेसेस पे इनकी रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दोज प्लेसेस दैट आर नॉट मच कोल्डर. ठीक है, मेल्स के लिए डिफरेंट हैं और फीमेल्स के लिए डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं. रिकमेंडेशंस भी मेल्स के लिए डिफरेंट हैं, फीमेल्स के लिए डिफरेंट हैं, चिल्ड्रंस के लिए डिफरेंट हैं, ओल्डर्स के लिए डिफरेंट हैं, यंग वंस के लिए डिफरेंट हैं. बट अ बैलेंस डाइट मीन्स कि उस डाइट में वो सारे न्यूट्रिएंट्स हों, वेजिटेबल्स हों, राइस हों, ईच एंड एवरीथिंग हो. हाँ, ये है कि हम इस बैलेंस डाइट में क्वांटिटी डिफरेंट कर सकती है कि जो ओल्डर हैं उनके लिए किस चीज़ की क्वांटिटी ज़्यादा हो, किसी की कम हो, जो यंगर वंस हैं उनके लिए अलग हो, जो बच्चे हैं उनके लिए अलग हो. प्रोटीन्स, साइंटिस्ट एस्टिमेट दैट 10 to 13 ईयर्स ओल्ड नीड्स 34 ग्राम ऑफ प्रोटीन्स पर डे. अब साइंटिस्ट कहते हैं कि 10 से लेकर 13 साल के बच्चों को तकरीबन 34 ग्राम प्रोटीन्स पर डे चाहिए. और इट शुड, प्रोटीन जो है वो सिर्फ दालों में तो नहीं पाई जाती, इट शुड कम फ्रॉम वैरायटी ऑफ फूड्स. अगर हम एक ही सोर्स प्रोटीन का ले रहे हैं, दैट मींस कि वी आर नॉट गेटिंग एनफ हेल्दी डाइट. वी हैव टू टेक डिफरेंट काइंड ऑफ फूड दैट कंटेन्स प्रोटीन. आर सेल्स कैन मेक सम ऑफ देम, कुछ से हमारे सेल्स भी कुछ प्रोटीन्स बनाते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नहीं है. जितनी कि हम फूड से ले सकते हैं उतनी प्रोटीन्स हमारे सेल नहीं बनाते. यहाँ पे हमें एग्जांपल दी गई है, सोयाबीन सप्लाई मोर प्रोटीन्स. सोयाबीन जो है वो किसी भी अदर क्रॉप से ज़्यादा हमें जो है वो प्रोटीन प्रोवाइड करता है. मीट हो गया, एग्स हो गया, सोयाबीन हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गया, ये सब जो है ये सप्लाई करते हैं ऑल काइंड ऑफ प्रोटीन्स और हमें एग्जैक्ट और राइट प्रोपोर्शन में जो है ये हमें प्रोवाइड करते हैं. नेक्स्ट इज़ फैट. अब फैट जो है, बहुत ज़्यादा फैट तो हमारे लिए बेशक नुकसानदेह है, लेकिन फैट जो है वो बॉडी के लिए ज़रूरी भी है. फैट शुड मेक अप 20 to 30% ऑफ द फूड यू ईट. हम जो फूड इनटेक कर रहे हैं, फैट उसका तकरीबन कितने परसेंट कॉन्स्टिट्यूट होना चाहिए, 20 to 30%. अब जो सप्लाई है फैट की, वो हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करती है पर ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है, इनमें कुछ एसेंशियल वाइटामिन्स भी इनमें प्रेजेंट होते हैं. अब फैट्स के हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, एक होता है सैचुरेटेड फैट और एक होता है अनसैचुरेटेड फैट. अब प्रोसेस्ड फूड्स आर ऑफन हाई इन सैचुरेटेड फैट्स. हमें जो है वो हमें सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट का एक तो हमें डिफरेंस पता होना चाहिए. ठीक है, जो सैचुरेटेड फैट है वो हमारे हार्ट रिस्क की डिजीज़ को ज़्यादा कर देता है. फिश हो गया, नट हो गया, नट्स हो गए, वेजिटेबल ऑयल हो गया, इनमें अनसैचुरेटेड फैट होता है जो कि हमारी हेल्थ के लिए बेटर है. सो वी हैव टू चूज़ द राइट अमाउंट, राइट टाइप ऑफ फैट टू ईट. ठीक हो गया, फैट्स में जो होते हैं वो फैटी एसिड होते हैं. टू टाइप्स ऑफ फैटी एसिड होते हैं जो एसेंशियल हैं, जिनकी हमारे सेल्स को नीड होती है. वो कौन से हैं? वो है ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड्स. कौन से दो अमीनो एसिड हमारे लिए फैट्स इंपॉर्टेंट हैं? ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड्स. नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो हमारी बॉडी का तकरीबन 60% ऑफ एनर्जी जो है वो हम किससे लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं. अब एज मैनी ऑफ दीज एज पॉसिबल शुड कम फ्रॉम द फ्रूट्स. अब ज़्यादातर हमें कार्बोहाइड्रेट जो है वो किससे लेने चाहिए? फ्रूट. कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा किससे लें? फ्रूट से लें. उसके अलावा मिनरल्स, विटामिंस, फाइबर वगैरह जो है ये भी हमें फ्रूट प्रोवाइड करते हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और बाकी के जो अगर हमें कुछ चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स जो हमें नीडली बॉडी के लिए नीडी हैं, वो स्टार्च फूड से आने चाहिए, लाइक कस्बा हो गया, लाइक राइस हो गया, लाइक ब्रेड हो गया. उसके बाद आ गया मेल न्यूट्रिशन. मेल न्यूट्रिशन इज़ अ काइंड ऑफ डिजीज़. बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें बैलेंस डाइट नहीं मिलती, और जिनको बैलेंस डाइट नहीं मिलती उनकी बॉडी जो होती है वो नॉर्मल पर्सन की बॉडी से एज़ कम्पेयर टू जो जिनको हेल्दी डाइट मिलती है उससे डिफरेंट होती है. सम पीपल डोंट गेट इनफ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स, और फिर वो जो होते हैं वो प्रॉपरली, ना उनकी प्रॉपर हाइट होती है, ना उनका प्रॉपर वेट होता है, उनको डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज़ भी जो है वो जल्दी से अटैक करती हैं. एंड ऑन द अदर साइड जो बहुत ज़्यादा खाते हैं, देयर बॉडी स्टोर एक्स्ट्रा एनर्जी एज फैट. अभी हमें यहाँ पे इस पिक्चर में क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये जो है ये मेल न्यूट्रिशन का शिकार बच्चा है, और ये जो है ये ओवर ईटिंग है. द असेस्ड फैट मेक देम मोर लाइकली टू सफर फ्रॉम हार्ट डिजीज, डायबिटीज़ और व्हेन दे आर ओल्डर.
अब जैसे ही आपका फैट जितनी आपकी बॉडी पे ज़्यादा है ना, वो अभी तो आपको कुछ नहीं कहेगा जब आप यंग वन है, लेकिन एज यू ग्रो आपकी एज जो जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो क्या होता है कि आपको हार्ट की डिजीज या डायबिटीज़ होने के चांसेज जो ज़्यादा होते जाते हैं। स्वीट फूड, फिजी ड्रिंक्स जो होते हैं ये प्रॉब्लम्स कॉज करते हैं। शुगर्स होती हैं वो टीथ के ऊपर कोटिंग कर लेती हैं, टीथ टूथ डिके कॉज करते हैं, गम्स को का प्रॉब्लम होता है। उसके अलावा इनमें माइक्रोब्स होते हैं जो कि हमारे एक तो शुगर माइक्रोब्स होते हैं जो कि शुगर में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसकी वजह से टूथ डिके होता है। उसके बाद कैलकुलेटिंग हाउ मच फूड यू नीड, हमें कितना फूड राइट अमाउंट में चाहिए, हमें उस हमने उसमें इसमें ये कैलकुलेट करना है कि हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑन एवरेज स्टूडेंट्स नीड टू ईट अराउंड तकरीबन 2000 किलो कैलोरीज पर डे हमें खानी चाहिए, ठीक है, एंड इज़ अबाउट 8000 किलो जॉल पर डे, किलो कैलोरीज 2000 और किलो जॉल्स 8000। ईच ग्राम, हर ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 16 किलो जॉल होती हैं और 60% ऑफ योर एनर्जी शुड कम फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट। अगर हम एक ग्राम ले रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स तो 16 किलो जॉल है और हमें कितनी चाहिए, तकरीबन 8000 किलो जॉल। तो हम हमारी बॉडी का जो 60% एनर्जी हमें मिलती है वो हमें कहाँ से लेनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट से। सो वी हैव टू ईट द फूड दैट इज़ रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, रिच इन स्टार्च। उसके बाद हमारे पास इसका एक फॉर्मूला है, मास ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स रिकमेंडेड ग्राम पर डे कितना है, रिकमेंडेड 60 और ओवर कितना होता है 100, और एनर्जी नीडिड उसको डिवाइड कर देंगे हम एनर्जी सप्लाइड से। एनर्जी फॉर एग्जांपल हमें नीडिड है 8000 किलो जोल पर मोर, और फॉर एग्जांपल हम पर डे ले रहे हैं 16 ग्राम, तो ये हमारे पास 300 ग्राम जो है हमारे पास इसका आंसर आएगा, जबकि हमें 16 ग्राम नहीं लेनी चाहिए, हमें ज़्यादा लेनी चाहिए। तो एक हमने एक फॉर्मूला निकाला है जी कि हम कैसे जो है वो अपनी फूड की कैलकुलेट कर सकते हैं जो हमें नीड है। उसके बाद अ बैलेंस डाइट कंटेन एवरी एसेंशियल न्यूट्रिएंट इन द करेक्ट प्रोपोर्शन। अब एक बैलेंस डाइट है तो जाहिर सी बात है वो बैलेंस्ड है, उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो करेक्ट प्रोपोर्शन में होंगे। बॉडी जो है वो एनर्जी को फूड में स्टोर करती है, इट कैन नॉट यूज स्ट्रेट अवे एज फैट, इसको स्टोर फैट की सूरत में स्टोर करके डायरेक्टली फैट की सूरत में यूज़ नहीं कर सकती। एंड ईटिंग शुगर्स कैन लेड टू टूथ डिके, अगर हम बहुत ज़्यादा शुगर ले रहे हैं तो ये हमें टूथ डिके की तरफ लेके जा सकता है। क्वेश्चन नंबर वन, वी हैव विच टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट शुड यू ईट मोस्ट ऑफ, हमें ज़्यादातर कौन से न्यूट्रिएंट खाने चाहिए, यू शुड ईट मोर कार्बोहाइड्रेट्स देन अदर न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि हमें पता है कि हमें कार्बोहाइड्रेट 60% की प्रोपोर्शन में चाहिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, एक्सप्लेन व्हाई शुड वी गेट आर प्रोटीन्स फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट फूड्स। अब ईच टाइप ऑफ हर प्रोटीन में जो है वो डिफरेंट कम्बिनेशन होता है डिफरेंट अमीनो एसिड्स का, तो हमें हर किस्म की खानी चाहिए ताकि हम डिफरेंट अमीनो एसिड जो है वो ऑब्टेन कर सकें। क्वेश्चन नंबर थ्री है, राइस और बीन्स आर डिफरेंट ईटन टुगेदर, आर ऑफन ईटन टुगेदर, राइस और बीन्स जो है वो हमेशा मोस्टली जो है वो इकट्ठे खाए जाते हैं और ये जो है इस तरह वो ये ज़्यादा अमीनो एसिड हमें प्रोवाइड करते हैं, तो हमें बताना है कि हमें इनकी ज़रूरत क्यों है। अमीनो एसिड जो होते हैं वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब वो आपस में बड़े होकर मिल जाते हैं तो वो प्रोटीन्स बनाते हैं। दैट मीन्स कि जब हम राइस और बीन्स खा रहे हैं तो हम बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स इनटेक कर रहे हैं जो कि हमारे सेल्स को बिल्ड भी करती हैं और रिपेयर भी करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, ईटिंग टू मच फैट कैन डैमेज योर हेल्थ, अगर हम बहुत ज़्यादा फैट ले रहे हैं तो वो हमारी हेल्थ को डैमेज कर सकता है। अभी हमने दो रीजंस बतानी है कि फैट हमारे लिए एसेंशियल क्यों है। एसेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर फैट हमें जो है वो हेल्दी कर रहा है तो हमें फैट बिल्कुल भी अपने इनटेक करना ही नहीं है। वी हैव टू इनटेक फैट बट द राइट अमाउंट ऑफ फैट, नॉट इन एक्सेस। फैट कंटेन फैटी एसिड और जो एंड सम ऑफ दीज आर एसेंशियल फॉर हेल्थ, फैट ऑल्सो कंटेन एसेंशियल वाइटामस, तो ये फैट्स के अंदर वाइटामस होते हैं और फैटी एसिड होते हैं जो कि हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। उसके बाद है ईटिंग टू मैनी फैट्स, हमने दो रीजंस दिए हैं कि क्यों, सॉरी गिव टू रीजंस व्हाई ईटिंग टू मेनी स्वीट कैन डैमेज योर टीथ, एक तो ये कि टूथ डिके कॉज कर सकता है, दूसरा ये कि लेड टू ओबेसिटी, हमें जो है वो मोटापे की तरफ लेके जा सकता है। उसके बाद एक एक्सटेंशन का क्वेश्चन है, 37 किलो जो ऊपर है हमारे पास और 40% हम ले रहे हैं डेली रिक्वायरमेंट्स, तो 40 डिवाइडेड बाई हमारे पास 100 आ गया और हमें डेली चाहिए कितनी होती है 8000 किलो जो ऊपर मोर, और हमने इनटेक कितनी की है 37, तो हमारे पास आंसर आ गया 85.6 ग्राम। ये बेटा आपकी थी 3.3 बैलेंस डाइट, और आप कोशिश करें कि आप जो है वो राइट अमाउंट में फूड खाएं, बैलेंस डाइट खाएं। ये जो चॉकलेट्स बिस्किट और ये जो फिजी ड्रिंक्स आप पीते हैं ये सेहत के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा ये अनहेल्दी हैं, ये जो है वो अनहाइजीनिक हैं। तो बेटा ट्राई करें कि आप हेल्दी फूड लें ताकि आप हेल्दी रह सकें। अल्लाह हाफिज़।